जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मजबूत इरादे के साथ कोई भी कार्य को शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम होता है उसका। सुबह सुबह इन नई लाइनों के साथ आज आपकी एक नई क्लास होगी, हर दिन पुरानी लाइनों के साथ नई क्लास होती थी। चैप्टर सेकंड चल रहा है आपका डीएलएड का, फोर्थ सेमेस्टर आप देखते हैं। सप्ताह में 3 दिन सुबह 4 बजे से बृहस्पतिवार शुक्रवार एवं शनिवार को, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सुबह 4 बजे से होती, याद रखना बस, बाकी और नहीं होती। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा उसके बारे में याद कर लेना, दिमाग खोल करके सेव कर लेना इसको, चाहे डीएलएड के अलावा आप कोई और परीक्षा के लिए अगर लगे हो तब आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये फालतू फोकट का नहीं है। शून्य का वर्गमूल हमेशा शून्य होता है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग जो हैं काफ़ी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अगर कहीं ऐसे 0 लिखा है ना तो सोचते हैं भाई क्या होगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है ये। तो 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और हाँ एक और याद रखना, 0 का वर्ग भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ लिखा है। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल। वर्ग पूर्णांक मतलब जैसे 2 का वर्ग आप करते हो तो क्या आता है, 4 आता है ना। 4 क्या है, एक वर्ग पूर्णांक है। अब आप अगर 4 का वर्गमूल करोगे तो 16 आएगा ना, 16 क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक मतलब जानते हो नंबर, जो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक वही सब होते हैं। इसके बारे में हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक अर्थात इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। सबसे छोटी वर्ग संख्या जो है वो 1 होती है, पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या भी 1 होती है। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर इसको बनाया हुआ था ना, ये जो इधर आप देख रहे हो ना, ऐसे 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 0 का भी वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और 1 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 1 होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, याद रख लेना इनको और क्लास को पूरा देखना अगर समझना चाहते हो तो, वास्तव में छोड़ के मत जाना। इन्हीं फैक्टों में 2 और भी देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी जो भी लाइनें हम लिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना अगर सीखना चाहते हो वास्तव में तो। परिमीय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमीय अथवा भिन्न होते हैं, ये मंत्र बता रहा हूँ आपको, जैसे आप सांप बिच्छू का मंत्र सीखते हैं ना झाड़ फूंक वाला, वैसे बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमीय संख्या यानी कि रेशनल नंबर 3/4 है, अगर इसका वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा 9/16 जैसे आया है वो हमेशा परिमीय संख्या होगा या फिर भिन्न होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परिमीय संख्या और भिन्न मतलब दोनों अलग अलग है क्या, नहीं, कोई भी भिन्न जो है वो परिमीय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन कोई भी परिमीय संख्या जो है वो भिन्न हो सकती है एक प्रकार से। कैसे, जैसे अगर 7 बोलें या 3 बोलें एक परिमीय संख्या है ना, लेकिन ये भिन्न भी है। कैसे, इसको आप 1 लगा दो ये भिन्न बन गई ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा देखना, वर्ग परिमीय संख्याओं के वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब गाथा काहे पढ़ा रहे, अभी सवाल देंगे इसी पर आएगा नहीं एक भी, अगर नहीं समझे रहोगे तो याद रखना, और आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। डीएलएड वाले तो दिमाग खोल करके समझना जो फोर्थ सेमेस्टर में है, क्योंकि आपकी लास्ट बार है। हाँ जी, आपकी लास्ट बार है, बैक वैक लग गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वर्ग परिमीय संख्याओं के वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं, इसका मतलब क्या है, वर्ग परिमीय संख्या जैसे यहाँ पे आया है जो 9/16, वर्ग परिमीय संख्या मतलब जिन संख्याओं का हम वर्ग कर सकें, जैसे देखो 3 का वर्ग 9 होता है ना, 4 का वर्ग 16 होता है, कह रहा कि वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं। तो मतलब वर्ग परिमीय संख्या था ना 9/16, इसका वर्गमूल, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए स्क्वायर करके दिखाया था, इसका वर्गमूल हमेशा परिमीय संख्या होती है। वर्गमूल कर लो 9/16 का, 3/4 आएगा ना, 3/4 एक परिमीय संख्या है रेशनल नंबर की नहीं है, आपकी परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाएगा, सही गलत का चिन्ह लगाइए। वर्ग परिमीय संख्याओं के वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं, जब आप क्रास लगाए के आ जाओगे ना, ऐसे गलत लगाए के आ जाओगे ना, 0/लड्डू मिल जाएगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा लड्डू नहीं खाना है तो ध्यान से समझना है और सीखना है बातों को। आगे चलिए,
हारने वाले तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, जबकि विजेता जो होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। यही अंतर होता है। कुछ लोग सो रहे थे, अभी सुबह सुबह का टाइम है, उनकी थोड़ा सा आँख जो है लग गई थी। जग जाइए जल्दी से, 5 सवाल आप लोगों के लिए है, बताओ तो जाने। चलिए पिछले दशक में चलते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे कितना सीखा प्राइमरी में, है ना, मुझे तो सब याद है। बताइए, अभी जो हम लिख रहे थे लाइनें उनको देख करके आप लोगों को नींद आ रही थी कि भाई काहे जाए लिखा जा रहा है ये सब, अब बताओ, इसीलिए लिख रहे थे। बताइए इसमें कौन सही कौन गलत, जल्दी से फटाफट सही गलत बताइए तुरंत। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होता है, यस या नो, कमेंट करो फट से। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, परिमीय संख्याएं अर्थात रेफनल नंबर सदैव भिन्न संख्याएं होती हैं, रेफनल नंबर सदैव फ्रैक्शन नंबर होती हैं, सही है कि गलत है। शून्य का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्गमूल √1 होता है। और अगला है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। आँख वाँख थोड़ा सा धुल लीजिए, दिमाग सही कर लीजिए और फिर बताइए, क्योंकि ये क्लास सुबह 4 बजे होती है। कुछ लोग उठ तो जाते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन उनको बहुत अच्छे से नींद आती है, बहुत मस्त सोते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि अगर अभी सोएंगे तो ज़िंदगी बाद में सुलाती ही रहेगी। देखिए हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आप कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। बताइए, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर हाँ तो इसके गुणनखंड क्या होंगे। बताइए क्या होंगे। अब पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना, आप जानते हो पहले से, तो बताना है इसको, बताइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जो लोग पिछली क्लास को देखें उनको पक्का याद होगा, 7 तारीख को हुई थी क्लास, सप्ताह में 3 दिन होती ना। विषम तथा अभाज्य संख्याएं कैसे पहचानते हैं, याद रखना, अगर इन सवालों को नोट करके जाओगे ना, अगर कंफर्म रहेगा एकदम ना, तो 25 में से 25 नंबर मिलेगा, ये पूरी गारंटी हमारी होगी। और ये गारंटी मैं ऐसे फ्री में ऐसे नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों ने पिछले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें पूर्णांक ला करके दिखाया था, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आज ही PVR स्टडी की क्लास को ज्वाइन कर लें, और ना यकीन हो तो आप देख सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास है, वीडियो में भी हमने दिखाया था। अब इधर समझते चलना, प्राकृतिक संख्या और उसके घन का मान, यानी कि नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ क्यूब, अभी इसके पीछे हम आपको बहुत बड़ा राज बताने वाले हैं, इसलिए पूरा देखना। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है ना, 1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। ये क्यूब का मतलब जानते हो, ये सब लफड़ा क्या है, क्यूब का मतलब ये 1 का घात 3, क्लियर। अगर 2 लिखोगे, 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब का मतलब 2 का पावर 3, कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ध्यान से देखना। संख्या हमने लिखा 3, तो 3 का क्यूब कर लो, 3 3 9 3 27। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, भागना मत क्लास छोड़ के, वरना कभी ना आएगा। 4 चौका 16 16 चौका कितना होता है, 64 ना, करके देखना, नहीं आएगा तो बताना, ठीक ना। फिर 5 का कर लो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको रीजन बताने वाला हूँ, 5 5 25 5 125, याद रखना, आपको ये जवानी आना चाहिए, मुजवानी मतलब ओरल, जैसे कोई पूछे 4 का क्यूब तो 64, बहुत से लोग अटक जाएंगे। 6 का क्यूब मतलब 6 6 36 6 का कितना होगा, 216 होगा, बताना। 6 6 36 और 6 3 18 321, 7 का कर लो, 7 7 49 7 343, 8 9 10, ये लो, 10 10 100 10 1000, 9 का कर लो, 9 9 81 7 29, 8 का कर लो, 8 8 64 8 512। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 10 से छोटी सभी संख्याएं, मतलब 10 से छोटी जो भी संख्याएं हैं उनका जो क्यूब है वो क्या है, मालूम है आपको, 1000 से कम है। बहुत बड़ा फैक्ट है ये, 10 से छोटी सभी संख्याओं के जो वर्ग क्यूब हैं वो कितने हैं, 1000 से
छोटे होते हैं याद रखना, 10 से छोटी। जैसे 9 पे देखो 729 हो रहा है ना, 8 पे देखो 7 पे देखो, मतलब सब क्या हैं 1000 से कम ही हैं ऊपर देखो तो। और इसके बीच में अभी बहुत सारा रीजन छिपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 10 तक का याद कर लेते हो तो आगे याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं? नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, साइड में जो लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज PVR स्टडी पर आप सारी क्लास को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा फेसबुक पर PVR स्टडी, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना, भूलना मत इसको, याद रखना। कुछ जानकारियाँ आपके लिए स्पेशल, 1000 यानी कि 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएँ क्रमशः यही कुछ गिनी चुनी है जो आपके सामने हैं। पूर्ण घन जो होती हैं जैसे 1, 8, 27, 64, 125, 216, मतलब जान रहे हो, ये 1 का ही घन है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का है, 7 का, 8 का, 9 का, और वो 10 का। बात समझ गए ना? 1000 मीन्स जानते हो 1000, 1000 को आप इंटरनेशनल पद्धति में 1K भी लिख सकते हो। कुछ लोग YouTube पे जो 1K व्यूज आते हैं, 1K सब्सक्राइबर होते हैं, उनको 1 करोड़ समझते हैं। पहले हम भी यही समझते थे, 1 करोड़ का मतलब ये नहीं होता बाबू, मतलब इसका होता है किलो थाउजेंड, मतलब जान रहे हो ना, किलो थाउजेंड। और हाँ एक बात और बता दूँ, आपने देखा होगा किसी वीडियो में 1M व्यूज लिखा होता है या 1M सब्सक्राइबर, यम मतलब होता है मिलियन। और कुछ लोगों के दिल में ये गूंजता है कि क्या 1 मिलियन में 100 लाख होते हैं? ऐसा नहीं है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्या होता है? 10 लाख होता है 1 मिलियन में, और 1 लाख मतलब 100K, 100K मतलब 1 लाख। बात समझ गए ना? यानी कि 100,000 मिलकर के 1 लाख बनता है, लेकिन 10 लाख मिलकर के 1 मिलियन बन जाता है। उसी तरह का 10 मिलियन मिलकर के क्या होता है? 1 बिलियन बन जाता है। तो ये सब फाइल जो सिस्टम है उसको आप मतलब समझना। आगे चलें। हाँ, तो अन्य प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4 और 999 तक हैं, ये आप जानते ही हो। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार आप फेल हो चुके हैं। मालूम है क्या होता है? 1 होती है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। पूर्ण घन मतलब जान रहे हो ना, अभी जो सब दिखा रहे हैं यही सब तो है, ये देखो 1 आ गया ना। हाँ, दूसरा एक सबसे बड़ा जो लफड़ा होता है कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसे कहा जाए दुनिया में हम सबसे बड़े हैं, तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आपने वो पंक्तियाँ सुना है, मैं करूँ मैंने किया ऐसा कभी ना बोल, तेरे बिन भी चलती रहेगी ये दुनिया बड़ी अनमोल। तो यहाँ पर कहने का हमारा मतलब ये है कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कभी हो ही नहीं सकती है। आप कहोगे चलो सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1000 है, हम कहेंगे 1000 नहीं है 2000 है, तो अगला कोई कहेगा 5000 है, अगला कहेगा 10000 है, नहीं 10 लाख है, 25 लाख है, तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब अनंत हो सकती है। कोई निश्चित नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है, और ये भी नहीं पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्योंकि संख्या की गिनती आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत कर सकते हो, लेकिन हम लोग बचपन में केवल 100 तक गिनते थे और उसी के लिए बहुत मार पड़ती थी, गिनती नहीं आती थी, तो गुल्ला हो क्या बोलते हैं गुंडा बना के वहाँ गिनाया जाता था, चारों तरफ से गोला बना के बीच में खड़ा होकर गिनाता था, 1 दहाई 1 का 10 1 11।